पाओगे। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मैं करीबन आई थिंक 18 साल का था और मैंने नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था, तो हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था और वहां पर मैं अपनी मदर के साथ और फादर के साथ में खड़ा हुआ कुछ बातें कर रहा था। इतनी देर में एक सामने से आंटी आई और आकर के बोली, संदीप। हाँ जी आंटी। बेटे क्या नया चक्कर चल रहा है तेरा आजकल? मैं डर गया, मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा इनको कैसे पता लगा मेरे नए अफेयर के बारे में। और ही चला गया। फिर मैंने उनको देखा और डरते डरते उनसे मैंने कहा कि भाई आंटी जी क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, कौन सा चक्कर, क्या क्या कौन सा। तो आंटी ने बोला, कहते क्यों तू ये फोटोग्राफी नहीं कर रहा आजकल, ये फोटोग्राफी का कोर्स नहीं किया तूने? तो उन्होंने बोला मेरी थोड़ी सी जान में जान आई। मैंने कहा अच्छा, फोटोग्राफी की बात हो रही थी। फिर उन्होंने बोला, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी बोलिए ना। बेटे मेरी अगर तू माने ना, तो ये जो तू फोटोग्राफी के चक्करों में पड़ा है ना, ये सब बेकार की चीजें हैं। इससे अच्छा ये है कि तू कोई और ढंग का काम कर ले या अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था। मैंने कहा क्यों आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता, ये फोटोग्राफी बेकार की चीज क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन का बेटा भी गया था बॉम्बे यही सब करने के लिए जो तू कर रहा है, और उसको 4 साल हो गए, धक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने फिर सुना, फिर मैंने दोबारा से वही क्यों को ले आकर के चिपका दिया। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आंटी मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा। सीधा सा क्वेश्चन है यार। वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला, उस दिन मेरा कम से कम 10 किलो खून बढ़ गया होगा हंसते हंसते। उन्होंने गुस्से से मेरे से पूछा, कहते तेरे कितने परसेंट आए थे 12th में? मतलब फोटोग्राफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उनका ये सवाल था कितने परसेंट आए थे तेरे 12th में। मैंने कहा जी 85% आए थे। फिर उन्होंने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, मेरे को ऐसे देखा जैसे कि मेरे से बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बोली उसके 92% आए थे। अब बोल। मैं कहा अब क्या बोलूं, अब बोलने को आपने छोड़ा क्या है? क्या कोई है जो ऐसी बातों को सीरियसली ले सकता है? नो। यस और नो? नो, ले ही नहीं सकते। अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है। मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जाकर के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता हूं और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं। क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं। क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है, क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना, एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो,
कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। मतलब सिंपल है, ना हमें चुप रहना है, ना किसी से लड़ना है, सिर्फ सवाल करना है क्यों, और फिर देखो उनके कैसे पत्ते खुलते हैं, फिर मजा आएगा। और जिस दिन आप लोगों को भी मेरी तरह ये बात समझ आ जाएगी ना, उस दिन आपके ऊपर ऐसी बातों का असर होना बंद हो जाएगा। मतलब कि उस दिन ये जो पहली दीवार है जिसकी मैंने बात करी थी, वो अपने आप ही टूट जाएगी। उसके बाद इस पूरी दुनिया में किसी में दम नहीं होगा कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, सिवाय एक इंसान के, सिवाय एक इंसान के। कोई बताएगा कौन है वो? आप खुद। एग्जैक्टली, आप खुद।